गाइस गो थ्रू लास्ट लेक्चर नोट्स, कोई डाउट हो तो बोलिए। लास्ट पार्ट क्या किया था बेटा हम लोगों ने? सर यूजिंग LiAlH4 और NaBH4 से अल्काइल हैलाइड्स टू अल्केन्स, उसके तीन केसेस बताए थे आपने, मतलब किसमें अल्कीन फॉर्म होता है, किसमें नो रिएक्शन होता है। ओके, तीन हाइड्राइड बताया क्या मैंने? तीन हाइड्राइड, कोरे हाउस सिंथेसिस बताया क्या? नो सर, नो सर, कोरे हाउस बताया? नो सर, नो सर, नो सर, कोरे हाउस भी नहीं बताया। कोरे हाउस बताया होगा, एक बार देखो जरा गिलमैन रिएजेंट करके। तो वर्ड्स पढ़ रहे थे हम लोग, वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बताया मैं? यस सर, यस सर, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बताया। फिर ZN / HCl ऐसा कुछ बताया है? ZN / HCl बताया है और वर्ज रिएक्शन बता दिया है। इसके बाद कोरे व्हाइट हाउस सिंथेसिस नहीं बताया? नहीं सर, चलो कोई नहीं, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखेगा। अगेन ये भी उसी स्टाइल में करना है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, लेकिन इसका नाम है कोरे व्हाइट हाउस सिंथेसिस। इसमें जैसे पहले हमने एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट डिस्कस किया था, ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसका भी ये नेम के बेसिस पे इसको लर्न करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग गिलमैन रिएजेंट। इसमें बहुत कुछ तो नहीं पढ़ना है, इसमें ये रहता है कि गिलमैन रिएजेंट जो है उसको अगर किसी अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ज्यादा इसमें सोचना नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो केवल रिएक्शन बेस्ड आता है इसमें। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो अल्काइल हैलाइड आपका ये है यहाँ पर, ये प्राइमरी होना चाहिए या मैक्स टू मैक्स हम लोग साइक्लो लेते हैं, ठीक है। और जो ये आर है ना, यहाँ वाला आर जो दिख रहा है, ये आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी होता है, सारे पॉसिबल है यहाँ। और जो गिलमैन रिएजेंट है वो ऑफकोर्स उसमें आर है, तो आर आया कहाँ से? एल्काइल हैलाइड से आया। इसमें जब हम लिथियम डालते हैं ना तो वो बना देता है, इसको आप लिख सकते हो आर एलाइन ऐसा करके, और फिर ये जो आर एल आई है इसमें आप डाल दीजिए सी यू एक्स, तो ये बन जाता आर टू सी यू एल आई प्लस एल आई एक्स। तो इस तरह से आपका गिलमैन रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, इसी स्टाइल में जितना मैंने आपको बताया उससे ज्यादा कभी पूछता नहीं है। कॉपी कर लो उसको।
सर एक बार आप वापस समझा सकते हो ये? इसमें गिलमैन रिएजेंट एक ऑर्गेनिक रिएजेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये सामने राइट में लिखा हुआ है कैसे प्रिपेयर करते हैं, और फिर उसमें एल्काइल हैलाइड को डालते हैं, तो सिंपल आर आर डैश अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बस उतना है। कंडीशंस केवल याद रखनी है कि ये जो एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लिखा हुआ है वो प्राइमरी ही होना चाहिए मेरे लिए, ठीक है, और ये जो आर है जो एल्काइल हैलाइड यहाँ हमने लिया है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों हो सकता है। Should I remove this, बेटा? सबने कॉपी कर लिया? सर एक मिनट प्लीज। सर साइक्लो किसके लिए लिखा है? मतलब उसी आर डैश एक्स में साइक्लो भी कई बार परसेंटेज यील्ड अच्छा मिलता है, मेनली प्राइमरी यूज करता है। ओके। तो सेकंड रिएक्शन के बाद क्या दिखा? सेकंड रिएक्शन के बाद कौन सी सेकंड रिएक्शन? सर राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में पहले आर एक्स जो है उसमें लिथियम डाला और फिर लिथियम के बाद सी यू एक्स डाला। तो राइट साइड इज प्रेपरेशन ऑफ गिलमैन रिएजेंट राइट? यस बड़ा। सर हो गया। देखिए इसमें एक और रिएजेंट है, एक्चुअली उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप लिख लो कहीं पर, अगर क्वेश्चन आपको दिख जाता है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास वो नोट्स में है नहीं। उसको बोलते हैं ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। फॉर्मूला इसका ऐसा लिखते हैं, N means normal बेटा, tri है तो 3 लगा दिया इधर, tin है SN लिखा H, ठीक। ये भी actually इसका भी काम hydride transfer करना है तो H देगा, कोई टेंशन नहीं। या फिर इसके बदले हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, सॉरी ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, तो ये हो जाएगा C6H5 whole thrice SNH, ठीक। और एक इसमें यूजिंग करके लिख दीजिएगा, या अलोंग विद आप हीट लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो हम यूज करते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा एच न्यू हीट लेने पर। इनिशिएटर उसको बोलते हैं, इनिशिएटर, फ्री रेडिकल इनिशिएटर, एक AIBN करके नाम फेमस है,
इसको बोलते हैं एजो विज आइसो यूट्रियो, इसको कोई रटना नहीं है तुमको, लेकिन लिख कर रख लो बस, ये इसका फॉर्मूला भी चाहिए तो आप ऐसा लिख लो। इन सब का कोई काम नहीं है, हम आंसर इन सब से नहीं निकालेंगे, हम तो सीधे नोट यूज करेंगे जो यहाँ पर लिखा होगा। नोट क्या है बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों के तीनों एल्काइल हैलाइड जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में। ठीक, सीधे सीधे ये भी हो गया। सो ट्राइब्यूटाइल टेनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है? क्या बेटा? ट्राइब्यूटाइल टेनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है? कांट यू सी लिखा तो है यहाँ? नहीं, वो C4H9 के बाजू में क्या लिखा है लेफ्ट में आपने? डैश? नहीं सर, लेफ्ट में सर, लेफ्ट में। N means normal. Normal means state chain. सर, यूजिंग हीट के बाद आपने क्या एक्सप्लेन किया? AIBN बेटा, सर हाइड्राइड डालने के बाद AIBN डालते हैं ना, साथ में रहता है बेटा। ओके सर, काइंड ऑफ कैटलिस्ट समझ लो। सर AIBN को फ्री रेडिकल इनिशिएटर बोलते हैं ना? यस बेटा, फ्री रेडिकल इनिशिएट कराता है, इससे चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, ये सब रहता है। मैकेनिज्म नहीं बता रहा लेकिन आइडिया तो अपने पास है ही। सर AIBN के फुल फॉर्म में बेस आइसो के बाद क्या लिखा है? ब्यूट्रियो बेटा, BUTYRO। सर आपने नोट में क्या लिखा है? नोट में मैंने केवल इतना लिखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दीज एल्काइल हैलाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू कोरस्पोंडिंग एल्केन। सर बोलो। लास्ट क्लास के एक क्वेश्चन में डाउट था, कब पूछूं? लास्ट कल डाउट सेशन है। ओके, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? मतलब मैं शुरुआत में सबसे पहले यही वर्ड्स बोलता हूं। हां सर, 5 मिनट। इफ यू हैव एनी डाउट्स लास्ट, तो फिर अभी क्या कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना
या फिर आप डाउट सेशन कर ले उसमें आगे पूछ लेना। ओके सर, वो RI टू RH क्या लिखा है? क्या बड़ा सर नोट के नीचे आपने RI अगर तुम लोग टाइम से सुनते नहीं हो इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तुम लोग खाली कॉपी करते हो बेटा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बोला था और ये कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार बोला है सर। नोट के नीचे, नोट के नीचे RI बोला हुआ है। RI गिविंग RH, हटा दें इसको अभी। Yes, sir. This is all about alkyl halide. अब आते हैं next जो एक important part है इस preparation method का, वो है from carboxylic acid. बहुत exam में पूछा जाता है ये भी, from carboxylic acid. और इसका जो एक method है carboxylic acid से, उसको बोलते हैं Kolb's electrolytic decarboxylation. आप कोल्बे भी बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन, देखो नाम से क्या पता चलता है, डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय डीकार्बोक्सिलेशन? सी डबल बॉन्ड निकलता है, रिमूवल ऑफ CO2। क्या बोलेंगे हम बेटा? रिमूवल ऑफ CO2। देखो कहने के लिए ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। अच्छा वर्ड यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रोलिटिक, यानी इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व होगा, तो कोई बताएगा क्या कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यूजिंग एनर्जी। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे एग्री करते हैं इससे। यस सर। कोई एग्री नहीं करते? देखो मैं आपको एक घरेलू एग्जांपल देता हूं। जैसे मतलब पहले तो आपको ये समझा दूं, जैसे आप सॉल्ट लेते हो NaCl, घर पे पड़ा होगा है ना, टाटा नमक, आप उसको थोड़ा सा सॉल्ट लेकर के पानी में डाल दो, तुम्हें क्या लगता है सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा कि नहीं होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? होगा, ब्रेक होगा, ठीक, क्योंकि वो सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालोगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। अब सॉल्ट ऑलरेडी डिसोसिएट हो रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो कि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी डिसोसिएट कराने के लिए। ये तो वही बात हो गई ना कि तुम सुबह भी पढ़ाई करते हो, शाम की भी पढ़ाई करते हो, मार्क्स भी आ रहे हैं, फिर भी पापा तुम्हें रोज सुबह शाम थप्पड़ मारते हैं और सबको क्या बताते हैं कि मैं इसको थप्पड़ मारता हूँ इसीलिए ये पढ़ाई करता है। तो ये लॉजिक आप समझ पा रहे हो ना? कैन यू रिलेट दिस कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जरूरत क्यों है जब NaCl अपने आप डिसोसिएट करता है? तो अगर वो अपने आप डिसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे डेफिनेशन में फ्लॉ है कि जो आप कह रहे हो कि वो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड और एनर्जी सप्लाइड देन दैट सॉल्ट डिसोसिएट्स, तो इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली वो है ही नहीं। ये थोड़ा अधूरा सा आपको बता रखा गया है या आपने ऐसा अधूरा याद किया हुआ। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो यहां होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बताइए आपकी डेफिनेशन नहीं है, कुछ आया ही नहीं। ऑक्सीडेशन होता है कहां पर? एनोड पे। रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पे। ये दो पॉइंट्स होते हैं रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो जिसको आप डिप
डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन बोल रहे हो, एक्चुअली में वहां पर या तो गैस लिबरेट होगी या मेटल डिपॉजिट होगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो परहैप्स वो डेफिनेशन थोड़ी सी इनकर, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके माइंड में, देखो ऑफिशियल डेफिनेशन कुछ भी कैसे भी लिखो, ऑफिशियल इन द सेंस बुक वाली, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस जब आपके माइंड में आए तो दो चीजें आनी चाहिए, वन ऑक्सीडेशन एंड अदर रिडक्शन। क्या सबको मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। अब सबसे पहली चीज कि हम सॉल्ट क्यों चूज करते हैं, सीधे सीधे एसिड क्यों नहीं ले सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि सॉल्ट लेने से क्या होगा कि आयंस ज्यादा अमाउंट में होंगे, और जब ज्यादा अमाउंट्स में आयंस होंगे तो कंडक्शन अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा अच्छा होगा, वेस्ट कम होगा, तो हम लोग सॉल्ट प्रिफर करते हैं रादर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब RCO माइनस है और K प्लस है, इन दोनों में से कौन है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि जिस जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ड्यूरिंग प्रोसेस? तो आंसर है RCO माइनस, K प्लस तो पहले से भिखा रही है, वो कहां से इलेक्ट्रॉन देगा। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन किसका होगा, इन शॉर्ट RCO माइनस का। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, आप उसको ऐसा फ्री रेडिकल जैसा दिखा सकते हो ये, ठीक। अब पहली चीज डीकार्बोक्सिलेशन हमने ऑलरेडी लिख रखा है, रिमूवल ऑफ CO2, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना CO2 निकालने के लिए सबसे पहली चीज ये बताइए CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड बनना चाहिए, तो यहाँ बॉन्ड कब बनेगा, जब ये वाला बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन R को देगा और एक C को देगा, तो यहाँ साथ में एक R रेडिकल बन जाएगा, क्लियर है बेटा। अब जैसे वर्ज रिएक्शन में हमने किया था कि R रेडिकल दो लिए और दो रेडिकल लेने के बाद उनको आपस में कपलिंग करा दिया हमने, याद आ रहा है? Yes, sir. ये तो इसका मतलब दो चाहिए, तो हम यहां से ही दो शुरू करेंगे, टू टू एवरीवेयर आई विल पुट टू टू, ये बेटा वो हुक टाइप का एरो है, फिर यहां भी दो दो डाल दो इधर, फिर कॉम्बिनेशन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इसको मिल सकता है, आप इसको ऐसा के दिखा सकते हो, लेकिन पोटेशियम वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो सीधे सीधे क्या बना देगा, H2 बना देगा, यहाँ KOH लिख दो, या इसके बदले वो H+ का रिडक्शन सीधे सीधे दिखा सकता है आपको, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, आप इसको लिख दो। अब इसमें देखो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको रिएक्शन अगर रटी भी हुई है फिर भी हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ उसमें, आपसे जब तक कि आपको मैकेनिज्म का आइडिया नहीं होगा, उसमें आपसे पूछ लिया CO2 गैस कहाँ लिबरेट होता है, एनोड या कैथोड पे, तो आपको अब मालूम है मैकेनिज्म के थ्रू कि ऑक्सीडेशन होता है मतलब एनोड पे लिबरेट हो रहा है, H2 गैस कहाँ लिबरेट हो रही है, तो मालूम है आपको कैथोड पे लिबरेट हो, तो ये अपने को छोटे छोटे पॉइंट्स मालूम होने चाहिए जो ऑप्शंस में लिखे हुए मिल सकते हैं, तो कॉपी कर लो बेटा। सर तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस का जवाब क्या लिखना है? उसका आंसर तुमको डिस्कशन तो हो गया ना, तो तुमको जो भी आता है उसी को कंटिन्यूएशन में, केवल मैंने ये बोला है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट कम्स इन योर माइंड देन दो चीजें माइंड में आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके
दो दो सब चीजें लेने का कोई मतलब पर्पस क्या था? मेरा पर्पस ये है कि यहाँ पर आरआर आपको तभी मिलेगा जब आपके पास दो एल्काइल ग्रुप होंगे। ओके सर। सर जो ऑक्सीडेशन के फर्स्ट स्टेप में जो दो इलेक्ट्रॉन थे वही पोटेशियम के पास जा रहे हैं ना सर कैथोड में? कौन सा सर जो ऑक्सीडेशन के फर्स्ट स्टेप में जो पहले दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना? हाँ सर वही जा रहे हैं ना कैथोड के वो पोटेशियम के साथ पास रिडक्शन के लिए? अरे इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है ना बट एक सर्किट कंप्लीट होता है तो वही इलेक्ट्रिसिटी होगी। अच्छा, समझेगी नहीं? हाँ सर, सर बस कंफर्म करना। हाँ हाँ हो गया ये तो। एक मिनट एक तो एक आध आप क्वेश्चन कर सकते हो जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो वर्ड रिएक्शन जिस स्टाइल से ज्यादा दिमाग मत लगा देना उल्टा सीधा वाला। फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है ना भी एनएओएच दिया हो लेकिन एनएओएच देगा तो ज्यादा अच्छी रिएक्शन हो। बड़ा बड़ा आंसर निकालिए बड़ा। और जिनको ये सब ना आए वो ये वाला क्वेश्चन कर ले।
तुमने सोच लिया बेटा? सर एक मिनट, सर मैलिक और फ्यूमेरिक में अल्केनी फॉर्म होता है? मैलिक ये फॉर्मूले की जरूरत है बेटा, फॉर्मूला आ जाएगा उसका, आंसर बहुत आसान है। हाँ सर फॉर्मूला तो याद है, सिस और ट्रांस दोनों एक ही है। हिंट ये है कि नॉर्मली जो ये रिएक्शन होती है अपनी कोल्ब्स रिएक्शन, इसमें दो RCOH की जरूरत पड़ती है। तो किसी मॉलिक्यूल में एक साथ दोनों प्रेजेंट हो तो आप इंटरनल रिएक्शंस के बारे में भी सोच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा।
देखो बेटा सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखो NaOH वगैरह CONA लगाएगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये मैंने वर्ड रिएक्शन के टाइम पे भी शायद बताया था, इंटरनली आपको केवल ये बॉन्ड बना देना है। सारे बच्चों को क्लियर है बेटा ये? इस वाले में आप सोचो तीन फ्री रेडिकल बन रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तीन फ्री रेडिकल एक साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, और अगर आप सोचो ये डबल बॉन्ड यहां बना दे तो याद रखना डबल बॉन्ड इन स्मॉलर रिंग वो स्ट्रेन्ड रहता है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो इसके बदले क्या पॉसिबल है? इसके बदले ये पॉसिबल है कि ये वाला बॉन्ड तो बना देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ जो है इसको हम दूसरे इसी तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। क्या बेटा सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ऐसे दो मॉलिक्यूल जोड़ दिए तो वो उस तरह से दिखने लगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला तो बहुत ही आसान है, CO निकाल दो और यहाँ सीधे सीधे आप ऐसा ट्रिपल बॉन्ड बना दो, एसिटिलीन बन गया। अच्छा मैलेइक हो गया फ्यूमेरिक, केवल सिस ट्रांस है, इनसे ज्यादा फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। आपका जब COOH निकल जाएगा CO2 के फॉर्म में तो ये केवल हर बार ऐसा ही दिखेगा लाइक दिस, आप केवल उसमें बॉन्ड डाल दो, तो इसका मतलब इसमें भी आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा है, छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रेडिकल है। अब कई बच्चे यहाँ बीच में बॉन्ड बना देंगे, उसके बदले अगर तुम इसका रेजोनेंस करा दो तो ये तुम्हें ऐसा नजर आएगा, और उसके बाद अगर तुम बॉन्ड बनाओगे तो यू विल गेट एन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, और ऑप्शन में ये तुम्हें मिलेगा डेफिनेट, कॉपी कर लो। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन? सेकंड वाला कौन सा बेटा? सेकंड वाला सर, सेकंड वाले में दोबारा सुन लो। सबसे पहले तो ये हटा दोगे, इनके बदले फ्री रेडिकल सोचोगे। अब फ्री रेडिकल को ज्वाइन कराना है तो तीन फ्री रेडिकल है तो इंटरनल रिएक्शन ऐसा, तो तीनों को साथ में तो ज्वाइन नहीं कर सकते हो, कोई दो ही ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने ये बीच वाला ज्वाइन करवाया और इसको ऐसे ही रहने दिया। रीजन, अगर मैंने ये वाले दो ज्वाइन करा दिए होते तो डबल बॉन्ड रिंग में आ जाता जो स्मॉलर रिंग में डबल बॉन्ड स्ट्रेन पैदा करता है, तो उसके बजाय मैंने ये प्रिफर किया। फिर अब क्या करें, तो अब ये सिंगल फ्री रेडिकल वाला हो गया, तो हमको ऐसे दो मॉलिक्यूल सब चाहिए, इसलिए सब जगह दो कर दिया। अब ये दोनों आपस में ज्वाइन करा दिया, ठीक है बेटा? यस सर, कॉपी कर लो सारे बच्चे। जन बेटा रिमूव कर दे। यस सर। सो वेट, तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो जो ऐसा दो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं कि कंपाउंड में वो ऐसे और बहुत सारे फ्री रेडिकल कंबाइन होके पॉलीमर जैसा नहीं बन सकता? बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या, जैसे मतलब आप ऐसे सोचो जब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती तो फिर वो दूसरी वो चीज पे जाते हैं, मतलब इट्स लाइक कि हमारे पॉकेट में अगर पैसा है तो हम दूसरे के पास नहीं जाते, तो तब चेन बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे, तुम उससे मांग लो, तुम उससे मांग लो, तुम उससे मांग लो, हम अपने पॉकेट में पैसे निकाल लेते हैं। वैसे ही समझ लो यहाँ पर, ओके, इंटरनल रिएक्शंस भी पॉसिबल है। अगर ये ऑप्शन ही नहीं दिया तो आप दूसरा वाला सेलेक्ट करो। ओके सर, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इंटरनल रिएक्शन को होगा ना? यस, ऐसे केस में। ओके सर, ठीक
गाइस इसमें ही फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एक और रिएक्शन है जिसको बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। देखो काम की चीज आपको याद रखनी है ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन से बहुत सारी चीजें आपको फ्यूचर में भी याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन है, सब भूल जाना, ये नहीं भूलना इंटरमीडिएट इज कार्बन है। इसमें भी सॉल्ट यूज करते हैं और रिएजेंट में NaOH ऑब्लिक CO लेते हैं और ये आपको प्रोडक्ट देता है ऐसा। इसमें भी आप समझ लो कि CO2 निकल रहा है, ठीक है। अब हो सकता है आपको ऐसा दिया हो, Na प्लस दिया हो, CO2 दिया हो, OH माइनस, इन सब के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। या फिर इसके बदले NaHCO3 करके भी दिया हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है। हो सकता है इसके बदले आपको NaHCO3 करके लिखा हो। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक्चुअली इसको दो स्टाइल से हम मैकेनिज्म इसका देख सकते हैं, अगर आपको जिसमें भी समझ में आ जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले RCOH दिया होगा, उसमें NaOH ऑलरेडी डाल रहे हैं तो ये RCONA बन गया, मतलब O माइनस ऐसा। अब CO2 अगर निकालना है आपको तो यही एक्चुअली RDS, CO2 निकालोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास लोन पेयर है जिससे आप बॉन्ड बना सकते हो, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर किसको दे दोगे, R माइनस को। क्या सब बच्चों को समझ में आया? फिर इसके बाद सिस्टम से आप वाटर ले लो, RH बन जाएगा। इसका दूसरा स्टाइल ये है कि जब RCOOH इसमें OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लाइक दिस, ठीक है, और इसको भी आप RCONA मान लो, शुरुआत में तो एसिड बेस सॉल्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा और यहाँ OH, और सिंस NaOH प्रेजेंट है एक्सेस में तो आप यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर भी O माइनस और यहाँ पर भी O माइनस ऐसा। फिर आप देखो कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो R R माइनस के फॉर्म में इजिली निकल जाएगा, और इसको आप ऐसा लिख दो, ठीक। फिर सिस्टम से ये H2 लेकर के RH बना, ठीक है, दोनों कॉपी कर लो। सेकेंड इज बेटर मैकेनिज्म, बट वो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहला वाला आसान वाला मैकेनिज्म तो आप जरूर लिख लेंगे।
सर फर्स्ट मैकेनिज्म में RH के बाद क्या लिखा आपने लास्ट? OH माइनस बेटा। सर सेकेंड रिएक्शन में हमें तीन ओ माइनस कैसे मिले? कहाँ पर बेटा इसकी बात कर रहे हो? यस सर। NaOH है ना, इस H को निकाल लेगा। रिमूव करते हैं बेटा, सबने कॉपी कर लिया? सर वेट, सर प्लीज वेट। सर सेकंड मैकेनिज्म में हमें एंड में RH के साथ कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलता क्या? RH के साथ OH माइनस CO2 से मिलता है। डीकार्बोक्सिलेशन है बेटा, CO2 तो निकलेगा ही ना, ये मान के चल रहे हैं तो। यस सर। सर हम्म,
तो स्टार्टिंग में आपने बोला था हियर इंटरमीडिएट इज क्या बोला था आगे कार्बन आयन कार्बन आयन देखो ना आर माइनस बन रहा है उसको कार्बन आयन बोलते हैं रिमूव कर दें बेटा सबने कॉपी कर लिया यस इसमें भी एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करो पहले एक तो बहुत ही आसान आपको दे देते हैं फिर एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि भी जरूरी नहीं है कि आपको वहां एल्केन ही मिले ऑल्दो वी आर डूइंग एल्केन प्रिपरेशन बट एप्लीकेशन वो बहुत ही इनडेप्थ चीजें उसमें आती हैं आपको वो सब करना आना चाहिए होगा ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए
हो गया बेटा? यस सर। तो देखो पहला वाला तो बहुत ही आसान है बेटा, केवल आपको CO2 वाला हिस्सा हटा देना है और ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट इस तरह से बना देना है, ठीक। इस वाले में बिकॉज बिना कार्बन आयन के आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, कार्बन आयन ऊपर वाले में बना सकते हैं बट उससे आंसर बदल नहीं रहा है। इसमें देखो एक तो आप क्या कर सकते हो कि इसी को आप यू नो H2O दे दो और H लगा दो जैसे नॉर्मल बनाते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो नॉर्मल स्टूडेंट भी लिख देगा। लेकिन अगर आप इसमें रेजोनेंस देख, कोई कुछ कह रहा बेटा? हाँ सर, सर हम H को शिफ्ट कर सकते हैं ना, 1.2 शिफ्ट और फिर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा बेटा। वो केवल कार्बोकैटायन में होता है, तुम्हें गलत फहमी हो गई बेटा। ओके सर, नहीं समझे तो हमको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं, समझे कि नहीं। तो अगर हम मुंबई में जो है लंदन ढूंढने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कहाँ पर क्या होता है। तो केवल कार्बोकैटायन ऐसा केस है जहाँ पर इस तरह के रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है, बाकी में रेजोनेंस हो सकता है। तो यहाँ रेजोनेंस हो गया। अब इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें डबल बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा शो कर रहा है, देख रहे हो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होने से क्या हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये आपके लिए मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर सिंगल चॉइस करनी है प्रोडक्ट की तो ये वाला चूज करेंगे। क्या सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। और नीचे वाले में तो फिर से वही चीज है बेटा, यहाँ पर COH हटा दो और CH2- बना दो। अब ये जो CH2- बन रहा है ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये एल्काइल हैलाइड तुम्हारे लिए हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, इंटरनली एक एल्काइल हैलाइड है और इसको क्या लिख सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो, ये ऐसे अटैक करेगा और ये निकाल दो। तो ये मेरे ख्याल से कितने मेंबर रिंग बन रही बेटा, 5 बन रही है ना, ऐसा। सो फर्स्ट वाले में CH3CH3 फॉर्म होगा ना? मैंने ज्यादा बना दिया क्या? अरे वाह बेटा, अभी तुम्हारी तारीफ करने का मन कर रहा है। वेरी गुड प्रतिभा, कॉपी कर दो, वेरी गुड। ये सब पकड़ना भी आना चाहिए बेटा, गलतियां अगर टीचर ने की है तो उसको भी ढूंढ लो आप, तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस हो रही है आपकी। बेटा कम क्वेश्चन हैं लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये रिवीजन में आपको बड़ा हेल्प करेंगे। हाँ Did I remove this? So wait.
मूव कर दें। गाइस अभी एक छोटा सा पॉइंट और इसमें लिख लो, जैसे हमने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अभी दो किया, तो एक डीकार्बोक्सिलेशन और है, ऑल्दो वो नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, बट हम लोग कर रहे हैं तो उसको भी साथ में कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल देना सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देना नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, जस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हमने ऑलरेडी दो डीकार्बोक्सिलेशन किए तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, अगर उसके अल्फा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, किस कार्बन पे बेटा, अल्फा कार्बन पे, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आप एग्जाम्पल दे दो, सी डबल बॉन्ड दो, CHO, COOH, NO2, CN, even C double bond C, ऐसा आप लिख सकते हो बेटा। इसको अगर हीट कर दिया तो ये जो COOH का COO पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये हट जाता है, तो बस जो बच गया उसको साथ में लिख दो ऐसा, ठीक है, ये आपका इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। क्या समझ में आया बेटा सारे बच्चों को, कि अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी रिटन, व्हेन इट इज हीटेड CO2 इज लिबरेटेड, बस इतना कहानी है। और इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है, मतलब पॉपुलर एग्जांपल मतलब विद नेम, एक स्टेटमेंट बोला जाता है जो बहुत पॉपुलर है, वो है कि बीटा कीटो एसिड On heating gives ketone. ये एक statement है, लेकिन actually it's a part of that, this only. समझे ना? ये बहुत सारे cases cover करता है. This is one case जो यही है actually. मैं example देखो. COOH, CH2, C double bond O, CH3. इस compound को ध्यान से देखो. अगर मैं इसके sense में बात करूँगा तो COH है. उसके alpha carbon पे एक CO लगा हुआ है. तो यही इसी को belong किया. हीट करोगे CO2 बाहर कर दो, जो बच गया उस हिस्सा उसको लिख दो, तो देखो कीटोन मिल गया ना। तो इसी को अगर इसके सेंस में बात करेंगे तो ये अल्फा है, कीटोन बीटा पोजीशन पे हो गया, तो हम बोलते हैं बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स कीटोन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा। सर आप स्टेटमेंट वापस समझा सकते हो क्या?
क्या चीज समझाना है बेटा? सर ये एसिड ऑन हीटिंग इसकी इसकी बात करें या ऊपर वाले की? वो स्टेटमेंट दिया है ना आपने बीटा की तो एसिड ऑन हीटिंग टोन देखो ये कंपाउंड जो लिखा है इसी को बिलोंग करता है बट इसके सेंस में बात करें तो क्या होगा COH की बगल वाला कार्बन अल्फा उसके बगल वाला कार्बन बीटा तो इसका नाम क्या हुआ बीटा कीटो एसिड बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स कीटोन तो देखो यहाँ कीटोन लिखा है तो स्टेटमेंट वेरीफाई कर लिया हमने समझ गए इसमें बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा मतलब ये जो नीचे स्टेटमेंट मैंने दिया है ये तो पॉपुलर स्टेटमेंट है और जो ये जो सामने मैंने लिख कर दिया आपको जनरल मेथड वाला ये मतलब ये है कि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो कुछ और भी चेंज करेगा बीटा क्यूटो एसिड जरूरी थोड़ी नहीं घर बार तुम्हें बीटा क्यूटो एसिड ही दे तो कुछ भी चेंज करेगा यू विल बी एबल टू डील विद दैट इसका मैकेनिज्म तो प्रीवियस वाला जैसा होगा नहीं बेटा इसका मैकेनिज्म अलग है थोड़ा उसमें टाइम लगेगा तो इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तुम इसको कॉपी कर लो ओके सर मैकेनिज्म इसका करेंगे और वो वाया एनॉल होता है अभी लेकिन समझ में नहीं आएगा अगर उसमें बोलूंगा तो इट इज बेटर कि हम उसको अच्छे से करेंगे तो CN के नीचे का लिखा आपने इवन सी डबल बॉन्ड सी मतलब सी डबल बॉन्ड सी ऐसा है कि फ्लेक्सिबिलिटी अपने को रखना हो सकता है ऑप्शन में CO2 ना निकाले हो सकता है निकाल दे तो थोड़ा सा केयरफुली अपने को डील करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ केसेस में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस हो गया बेटा यस सर चलो